वायरलेस सेंसर नेटवर्क आज तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। इसमें नेटवर्क सर्कुलेटर क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। यह एक ओपन सोर्स इवेंट संचालित सिमुलेटर है जो विशेष रूप से कंप्यूटर संचार नेटवर्क में शोध के लिए डिजाइन किया गया है। शोध के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी टूल माना जाता है। नेटवर्क सिमुलेटर नेटवर्क डिजाइनरों को एक नए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण करने का, मौजूदा प्रोटोकॉल का नियंत्रण और पुनरुत्पादित तरीके से बदलने की अनुमति देने में विशेष कारगर साबित है। ये बातें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डीएन बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर डी के लोबियान ने तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CCSIT की ओर से आयोजित नेटवर्क सिमुलेशन एंड डाटा सिक्योरिटी NSDS 2018 के उद्घाटन मौके पर कही। इससे पहले प्रोफेसर लोबियान कुलपति प्रोफेसर आर के मुदगल, कॉलेज प्रधानाचार्य प्रोफेसर आर के द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम FDP का शुभारंभ किया। कुलपति प्रोफेसर मुदगल बोले, शोध एक महत्वपूर्ण आयाम है। समाज के उत्थान के लिए शोध का सहारा लेना अति आवश्यक है। हम अपने दैनिक जीवन में सूचनाओं का आदान प्रदान सुरक्षित है। CCSIT के प्रधानाचार्य प्रोफेसर आर के द्विवेदी बोले, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वायरलेस तकनीक की यह एक अच्छा उदाहरण है। आज के जीवन में इस तकनीक के माध्यम से अनेक कार्य किए जा रहे हैं। डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण में 50 प्रतिभागी शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर आशेंद्र कुमार सक्सेना, शंभू भारद्वाज, मेहर बंसल, जितेंद्र रस्तोगी आदि मौजूद रहे। प्रोग्राम संयोजक निमित गुप्ता रहे, जबकि संचालन स्तुति टंडन। तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय में हमने एक सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम नेटवर्क सिमुलेशन एंड डेटा सिक्योरिटी पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली और थर्ड आई कम्युनिकेशन चैनल गुड़गांव के सहयोग से प्रारंभ किया है। इसमें एमटेक रिसर्च स्कॉलर्स, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स और हमारे फैकल्टी जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और वायरलेस सेंसर नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। कुल 48 रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, और जो इस एरिया में रिसर्च को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बिकॉज आज की डेट में जो हिंदुस्तान में या दुनिया में है वो इंक्रीमेंटल नेचर का रिसर्च है कि एक स्तर तक काम हो चुका है और उसके आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने लोग वायर्ड और वायरलेस सेंसर नेटवर्क में काम कर रहे हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुरादाबाद ने प्रोवाइड किया है। क्या मानते हैं इससे भविष्य में क्या लाभ पहुंचेगा? देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इंडिया टुमारो को इन्होंने डिफाइन किया था कि IT प्लस IoT, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंटरनेट ऑफ थिंग्स इक्वल टू इंडिया टुमारो। भारत का कल भारतीय प्रौद्योगिकी और जो आगे आने वाला समय है उसमें सेंसर नेटवर्क की उपयोगिता, क्योंकि ये जो पूरा स्मार्ट सिटी, ठीक है ना, स्मार्ट इंडिया का जो सपना है, जो डिजिटल इंडिया का सपना है, उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक कदम है कि ऐसे प्रयास होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। अभी हमने 3 दिन पहले ही डेटा साइंस पर हमारी एक सप्ताह की फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ख़त्म हुआ है और हमारा एकेडमिक सेशन शुरू हो गया है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के मुदगल और कुलाधिपति श्री सुरेश जैन वो एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी कमिटेड हैं, और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे सत्र में इस 2018-19 में इस तरीके के कार्यक्रम आपको मिलेंगे।